भूमंडल आप सभी का स्वागत करता है। आज बात करते हैं जानवरों के व्यवहार के बारे में। व्यवहार एक ऐसा शब्द है जो किसी भी जानवर या इंसान की छवि हमारे दिमाग में बैठ जाती है कि इसका वर्तन, व्यवहार और दिनचर्या कैसी होगी, चाहे वो हमारे सामने हो या ना हो। जैसे कि एक बंदर के व्यवहार के बारे में आप सोचो, तो चलिए बता ही दीजिए कि एक बंदर की छवि आपके दिमाग में कैसी बनी। बंदर नटखट होते हैं, चीजें छीन लेते हैं, गुस्सैल होते हैं, वगैरह वगैरह। इसी को जानवर का व्यवहार कहते हैं। तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं, मतलब जानवरों के व्यवहार के बारे में बात करेंगे। अगर किसी जानवर के व्यवहार के बारे में बात करें तो सबसे पहले आता है संवाद। अधिकांश पशु प्रजातियां उनके अस्तित्व के लिए यदि आवश्यक हो तो उनकी प्रजाति के अन्य जानवरों के साथ संपर्क बनाए रखते हैं। एक जानवर कई कारणों से संवाद करते हैं, जिनमें पोषण की तलाश, दूसरों को खतरे के बारे में चेतावनी देना और साथी को आकर्षित करना शामिल है। अलग अलग जानवर संवाद करने के लिए अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। छिपकल या आंखों की हरकत, शारीरिक भाषा, शोर और हाथों के इशारे करके मन के भाव को प्रकट करती है। जैसे कि यह है मादा ग्लोबॉर्न। नर को आकर्षित करने के लिए और अपनी जगह बताने के लिए मादा ग्लोबॉर्न अपनी पूंछ को चलाती है। अंधेरे को चीरती हुई एक तेज चमकदार रोशनी जो इसकी पूंछ से निकलती है। दुनिया भर के जानवरों के संचार को आसानी से पहचाना जा सकता है। ये जानवर संचार करने के लिए सीटी बजाते हैं, चहचहाट करते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, कुरकुराहट करते हैं और चीखने जैसी आवाजें निकालते हैं, धमकाते हैं। जैसे कि शेर गर्जना करते हैं। जानवरों के व्यवहार में दूसरी चीज आती है स्वाभाविक प्रवृत्ति, जो हम अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। भूमंडल से जुड़े ऐसे ही तथ्यों की जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।